सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नए YouTube ब्लॉग में। और जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देखा ही होगा, आज हम लोग जाने वाले हैं दीवान के कॉन्सर्ट, जो कि है BKC बैंड्रा में। ओके, सो आज हम लोग जाने वाले हैं BKC बैंड्रा, क्योंकि दीवान का कॉन्सर्ट है। और आज है 1st मार्च। मैंने ऑलमोस्ट 1st फेब को ही टिकट्स बुक कर लिए थे, क्योंकि दीवान इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट, वन ऑफ माई क्या टॉप आर्टिस्ट मेरा वही है। मैं उसको ऑलमोस्ट 2016 या 17 से सुन रहा हूँ। आई रिमेंबर जब मैं 1st ईयर में था, तब मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मैंने उसके गाने सुनने स्टार्ट किए थे, तो उसके बाद मैं रुका ही नहीं। रैप इज़ वन ऑफ माई फेवरेट जॉनर ऑफ म्यूज़िक। आई रिमेंबर मैं 2022 में भी गया था दीवान के कॉन्सर्ट, जो कि था पुणे में। एक्चुअली वो मुंबई में भी था, लेकिन मुंबई के टिकट सोल्ड आउट हो चुके थे, तो मुझे मुंबई के शो पर जाना पॉसिबल नहीं हुआ। बट मुझे दीवान के कॉन्सर्ट को जाना ही था, और वो एल्बम लॉन्च था, गुनेगार उसका एल्बम है वो, अगर आप लोगों ने सुना होगा, नहीं पता सुना ही होगा ऑब्वियसली। तब उसने वो लॉन्च किया था और उसका एल्बम लॉन्च था, तो इसलिए मैं गया था पुणे। और इतना ज़्यादा मज़ा आया था भाई, आई रिमेम्बर मैंने उतना ज़्यादा वाइब कभी नहीं किया होगा। वो 2022 का मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट वही था, और आई गेस 2024 का मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट आज होने वाला है। लेकिन कॉन्सर्ट भी इंपॉर्टेंट है और जिम भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सर्ट है 7 बजे, तो मैं घर से निकलूँगा अराउंड 4:15 कुछ तो निकलूँगा, लेकिन उससे पहले वर्कआउट निपटा लूँगा। तो आज है बैक, अभी फटाफट ऊपर चलते हैं और बैक का वर्कआउट लगाते हैं। कोई शूट नहीं करूँगा, एक हाथ दो सेट शूट कर लिए तो कर लिया, लेकिन डिटेल में अगली बार कर लेंगे, क्योंकि आज ये ब्लॉग सिर्फ डिवाइन से रिलेटेड होने वाला है। और जिन लोग को भी ये ब्लॉग बोरिंग लगेगा, क्योंकि मैं काफ़ी लंबा ब्लॉग खींचने वाला हूँ इसको, लाइक 30-40 मिनट भी चलेगा मेरे को, मैं डिवाइन को भी फिल्म करूँगा, अपने आप को भी फिल्म करूँगा, अपने आप को थोड़ा ज़्यादा करूँगा यार, क्योंकि काफ़ी कम हैप्पी मोमेंट्स होते हैं हमारे लाइफ में, तो मैं इस मोमेंट को ना कैप्चर करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आज अपने आप को फिल्म करूँगा। तो जितने भी लोग यहाँ पे कमेंट करोगे ना नीचे के, भाई कैसे डांस कर रहे हैं ये वो, ऐसा भाई मैं पूरा वाइब कर रहा हूँ। और हाँ, मैं ड्रिंक नहीं करता, तो अगर तुम लोगों को कहीं पे लगे कि यार ये ड्रिंक करके डांस कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो अगर तुम लोग को इतना मतलब दिक्कत है, तुम लोग यहीं से चले जाओ यार वीडियो छोड़ के, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस अभी चलते फटाफट ऊपर, वर्कआउट लगा दे, उसके बाद तुम लोग से बात कर दो। ओके, सो वर्कआउट डन, काफ़ी बढ़िया वर्कआउट था। और अभी टाइम है काफ़ी, तो थोड़ा सा चिल करेंगे घर पे जाके, और उसके बाद जाएंगे इवेंट के लिए। तो अभी चलते फटाफट घर पे। 2 hours later काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ यार, सभी दोस्त आगे चले गए, मैं अकेला पीछे छूट गया, क्योंकि मुझे नींद आ गई थी, तो मैंने सोचा कि आधे घंटे की नैप ले लेता हूँ। वो आधे घंटे की नैप कब, 1.5 घंटे में कन्फर्म होगी, मुझे पता ही नहीं चला। तो अभी लेट हो चुका, अभी ऑटो में बैठा हूँ, अभी स्टेशन जाऊँगा, स्टेशन से पास पकड़ के फिर कुरला, कुरला से ऑटो, देन विल रीच टू MMRDA ग्राउंड। तो अभी देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बात बाकी की बातें बाद में करता हूँ। चलो भाई, प्रिया भाई, भाई अभी लेट हो ही चुका है, तो थोड़ा सा खा पी के निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे और 4-5 घंटे निकालने, तो खाली पेट तो निकाल नहीं सकता, तो ये बनाना शेक लिया है, इसके बाद ही रात में खाना खाऊंगा, तो तब तक के लिए एनर्जी के लिए बनाना शेक। भाई क्या लेट तो होता रहेगा, 7 बजे का इवेंट है, तो फिर 5 बजे 6 बजे तक पहुँच जाऊँगा, 6:15 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो भाई अभी ऑटो में बैठ चुके हैं, अभी जा रहे हैं MMRDA ग्राउंड, ऑलमोस्ट 5 मिनट बनी है, तो जल्दी पहुँच जाऊँगा यार। वेट नहीं हो रहा, एक्साइटमेंट को मैं होल्ड ही कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद दीवान के कॉन्सर्ट को जा रहा हूँ, मैं वैसे जाता नहीं हूँ, तो मैं काफ़ी मतलब एक्साइटेड हूँ शो के लिए। बच गया भाई, ये देखो यहाँ पे सेट लगा है, और आई गेस एंट्रेंस वहाँ से या फिर यहाँ से, तो अभी वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये देखो भाई, यहाँ पे इवेंट है, और यहाँ से अपने को टिकट्स मिलने वाले हैं, और अभी मैं रुका हूँ क्योंकि राज आ रहा है, और अकेला जाऊँगा तो मतलब इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो इसलिए उसके लिए रुका। यार दोस्तों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, राज मेरा पहले से निकला हुआ है घर से, अभी तक नहीं पहुँचा। 6:30 को गेट्स ओपन होने वाले, और अभी 6:30 हो चुका है, अभी तक नहीं आया। अभी गेट ओपन होने के बाद फिर वो आएगा, हमेशा मुझे लेट करवाएगा यार ये लड़का। बाकी अभी क्राउड तो उतना नहीं आया, क्योंकि अभी तो 6:30 हो गया, अभी गेट्स ओपन होंगे, बाकी क्राउड आई गेस धीरे धीरे आ जाएगा।
तो भाई अपन ने वैन ले लिया है और ये भैया ने मेरे को आधे घंटे से वेट करवाया। किधर है भाई? इतना तो फिक्स है भाई, मैं तेरे साथ में ना लाइफ में कभी कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। अगर अगर मेरे पे अगर कसम से लड़की वो तो मेरे पे बंदी नहीं है यार, इसलिए अगर बंदी होती ना मैं घंटा तुम लोग के साथ में घूमू। अगर कोई लड़की देख रही है तो डीएम कर देना, सॉरी मम्मी, मम्मी देख रही है, मम्मी चिल्ला देगी मेरे को। क्राउड देखो भाई कितना है, मतलब काफी क्राउड है, अभी तो आया नहीं है बस, स्टिल अभी इतने मजे करेंगे, सिर्फ मजे ही मजे। जो पसंद जमा कर ये भेजा नहीं जगह पर जमा कर। Se me se dice la culada.
चाहता हूँ तुझे, चाहता हूँ। अच्छे लगों में मेरी माँ से मिलाता हूँ। अच्छे लगर
से खिलाता हूँ, जो भी बोला वो हक से निभाता हूँ, तुझे चाहता हूँ, तुझे चाहता हूँ। गली 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 गली
इतना मजा किया भाई, इतना किल किया है भाई, 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 बहुत बढ़िया वो जो वो क्या था मेरे गली में का जो रिमिक्स था करण कंचन एंड यार नेक्स्ट लेवल है, करण कंचन इनटू न्यूक्लिया न्यूक्लिया भाई नेक्स्ट लेवल यार। और एक चीज हम लोग चल ब्रो चल ब्रो सी यू चैनल पे देख लेना। हां ओके डन, दो सब्सक्राइबर बढ़ गया अपने। ओए चल बे ये देखो ये बॉय एंजॉय नहीं कर रहा था, काय का गली गए कुछ एंजॉय नहीं कर रहा था, जब ऐसे नाच नहीं आता मेरे को ना मैंने ये क्या मेरा गला इतना खराब हुआ है समझ ही नहीं आ रहा है। मजा है भाई, मजा है कैमरामैन बन गया होगा जो मतलब जो मजा है भाई, मैं क्या ही बताऊं भाई यार, कोई ऑटो वाले बिठा नहीं रहा था कोई, और तो नसीब अच्छा है कि भाई ने बिठा लिया। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, भाई कुछ है यार, चेक करो, लाइक करो, सब करो भाई को, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बोलो लाइक शेयर सरप्राइज भाई को, तो चलो भाई भाई को सरप्राइज दे दो। हां सरप्राइज। तो अभी डिनर टाइम काफ़ी थक चुका है, तो हम लोग बांद्रा से ऑटो करके आए यहाँ पर दादर। अभी दादर में यहाँ एक कोई तो होटल है ऋषि करके, वहाँ पर रुके। व्हाट इज इट? 60 ml बोर्ड का, 60 ml बोर्ड का, एब्सोल्यूट बोर्ड का, पानी है, बकचोदी कर रहे हैं यार कसम से। व्हाइट विस्की यार, सभी बकचोद लोग ये पानी पी के बकचोदी कर रहे हैं, कुछ है नहीं उसमें, पानी है, तो तुम खाना मत खाओ, पानी पे ही चलो सर, है ना, तो तुम्हारा पनीर भी हम लोग का। फूड इज हियर, रोटी चिकन और पनीर आ रहा है। राज टेस्ट रिव्यू, पनीर पनीर पेशा पनीर क्या पेशवाई 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 ओ पेशवाई गंदा है
पनीर बता पनीर भी एवरेज है, खा के बात करता हूँ भाई। अभी खाना खाया, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एकदम टट्टी। दादर में जो कोई यहाँ पे होटल विशाल के पीछे ऋषि होटल है, मत आना, कोई मत आना भाई, सच में एकदम टट्टी। पनीर इतना स्पाइसी था भाई, मतलब गजब स्पाइसी था। अच्छा चिकन था ही नहीं वहाँ पे, टेस्ट नहीं आया, पानी अच्छा लगा, सिर्फ पानी अच्छा लगा। ये लास्ट में बोलता है कि भाई तब से इनकी बेस्ट डिश थी वो थी इनका पानी, बस बाकी कुछ भी नहीं था। वो नहीं, चलो ठीक है, बट 1600 रुपये के लग गए भाई। 1600 रुपये मीन्स पर पर्सन 400 रुपये। जब हम लोग इससे ज़्यादा ना, हम लोग चार्ली में जाते हैं ना निकल के दोस्त के यहाँ पे, तो भाई 270-250 में तो आराम से पेट भर के बटर चिकन आता है, नान आता है, उसके बाद में राइस आता है, ऊपर से उसकी सर्विस भी इतनी बढ़िया होती है, सलाद भी एकदम अनलिमिटेड होता है। नो टेस्ट, मतलब ये काफ़ी टट्टी था, पैसे भी ज़्यादा थे और टेस्ट भी। इंटीरियर हिंदी में बोल ले, इंग्लिश में उन्होंने बस इंटीरियर पे खर्चा किया, टेस्ट के लगा दिए पूरे। ये लोग बोल रहे थे मत बोल, मैंने जाके वहाँ पे काउंटर पे बोल दिया कि यार आपके इधर का टेस्ट काफ़ी टट्टी था, अच्छा नहीं था। इंटीरियर से अच्छा उन्होंने, अभी देख रहा हूँ यहाँ पे खर्चा कर देते फेमस जो है। अरे यार बंद है यार। यहाँ पे कैलाश मंदिर दादर की सबसे फेमस लस्सी की शॉप है एकदम, मतलब दुनिया की सबसे बेस्ट लस्सी यहाँ पे मिलती है, वो खाने आए थे लेकिन वो बंद है, तो अभी सीधा ट्रेन पकड़ के घर के लिए निकलेंगे। चलो भाई, जो अभी फालतू में रिग्रेट हो रहा है कि यार पैसे भी चले गए, चीट मिल भी हो गई और कुछ खाने में टेस्ट भी नहीं था। अभी आज जो चीट किया वो आज लास्ट था, कल से एकदम क्लीन डाइट, ज़रा भी जंक नहीं, क्योंकि ये वीक पूरा ख़राब गया यार, क्योंकि वेइंग स्केल ख़राब हो गई, उस वजह से वेट नहीं कर पाया पूरे हफ्ते भर में, और दो तीन दिन मतलब परसों के दिन में शादी में चला गया था और आज कॉन्सर्ट में, तो बाहर खाना हो गया, तो इसलिए ये वीक काफ़ी ख़राब था। तो अगले वीक से मीन्स कल से एकदम प्रॉपर डाइट करेंगे, ज़रा भी चीट नहीं करेंगे, वर्कआउट वगैरह एकदम परफेक्ट। बाकी अभी सीधा डोमिनेटेशन में उतर के बात करता हूँ। तो दोस्तों अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, मैं पहुंच चुका हूं डोंबिवली, लेकिन अभी भी ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी टाइम है काफ़ी अपने को सोने में, मतलब सुबह 4-4:15 बजे सोने की आदत लग चुकी है, तो अभी नींद आती नहीं है जल्दी, तो अभी टाइम पास तो करना है, तो अभी ध्रुव को फ़ोन किया है तो वो आ रहा है अभी अपने को लेने, फिर उसके बाद थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि नींद नहीं आती ना जल्दी, तो अभी थोड़ा सा भूख भी लगे, थोड़ा खाने भी चला जाऊँगा, देखते हैं कुछ तो ठंडा खाते हैं और देखते आगे। तो ये देखो मेरा भाई, हेलो बोल रहे, जय श्री राम। ये हराम को मेरे को डेली मैसेज करता है सुबह सुबह 4 बजे, इसको पता है मैं जगा रहता हूँ, मेरे को हर रोज़ मैसेज करता है भाई आ रहा है क्या, भाई आ रहा है क्या बाहर, बट इसको रोज़ सुबह मैसेज करता है भाई आ रहा है क्या बाहर, आ रहा है क्या बाहर। तो अभी आ चुका हूँ, अभी तो खाने चलते हैं, क्या बर्गर नहीं चलना है? हाँ भाई बर्गर नहीं जाएंगे, आइसक्रीम खा लेगा, क्योंकि भाई ऐसे ही थोड़ा ठंडा पीने का मन कर रहा है, बस इसलिए मैटर हुआ क्या। बाकी भाई की मंदिर ने भाई को फ्रेंड दूर कर दिया, अपना जिम है क्या, चला जाऊँ अभी वर्कआउट करने, वैसे भी कल सुबह आना ही है भाई। बर्गर किंग तो बंद है, अभी ऑर्डर लेके यहाँ पर बैठ के खाना पड़ेगा, अंदर बैठ नहीं सकते इसलिए बाहर बैठ के पी रहे अभी। परफेक्ट कॉफ़ी है, ज़्यादा स्वीट नहीं है और स्ट्रॉन्ग भी है, ज़्यादा स्वीट नहीं है और स्ट्रॉन्ग है, सही है। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे ऐसे टाइम काटने करके, अभी टाइम कितना हो रहा है, 2:30 हो रहे हैं, और अभी टाइम काटने इस वजह से घूम रहे हम लोग एरिया में, मतलब 90 फीट पे बस। बाकी अभी घर पे जाऊँगा, फिर सो जाऊँगा, कुछ करने नहीं वाला, ब्लॉग वगैरह एडिट नहीं करूँगा। तो बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया तो इस ब्लॉग को क्या करना है,
शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कुछ नहीं भाई। बाकी बाकी थोड़ी चल चुकी है तो अभी जाके शो कर दीजा। बाकी शेयर वगैरह किया करो यार, थोड़ा सा मेरे लगे पड़े साइड थोड़ी सी, तो चलो चलता हूँ, कल सुबह मिलता हूँ तुम लोग से। बाकी बाय और जय श्री राम, जय श्री राम।